गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम निकिता शर्मा फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल सिक्कर। सो क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर है 2 नंबर्स, पार्ट है इसका 3। सो स्टूडेंट्स, आपने आपको पता ही है पिछले दो वीडियो में आपने नंबर्स पढ़े, जो नंबर्स थे, जो डिजिट थे, उनके वर्ड्स नेम पढ़े। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड, ई एक्स पी ए एन डी ई डी, एक्सपेंडेड फॉर्म, एफ ओ एम फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे किसके? ऑफ नंबर्स। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब आपको पता ही है कि एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, फैलाना, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, आपको बोल दिया जाए कि आपको ये काम यहाँ से यहाँ तक करना है, बट आप यहाँ क्या करते हो, यहाँ से शुरू तो करते हो बट यहाँ तक उस वर्क को कंप्लीट करते हो, तो वो क्या हो गया, फैलाना। जैसे भी आप अपनी क्लास में क्या करते थे, ढेर सारा कचरा फैला देते थे ना, तो अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स है उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, क्योंकि जो भी आपके पास नंबर्स होंगे उनको आपको उससे भी ज़्यादा में दिखाना है। जैसे ये 10 है, ये 5 है, अब ये तो 3 डिजिट में ही हो गए सिर्फ। अब मैं ये बोल दूँ कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनाओ, तो आप शुरू करोगे 1 से, तो ये 5, फिर आप प्लस करोगे, फिर 10, तो 10, फिर आपको फिर करना है तो 12, ये 1200 के आगे, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये थे 3। इनको कितने में बढ़ा दिया आपने, 3 में बढ़ा दिया, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बना दी, ठीक है। तो हम आज क्या करेंगे, हम आज जो नंबर्स होंगे उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, अब आपको क्या देखना है, अब देखना है एक्सपेंडेड फॉर्म, और जो एक्सपेंडेड फॉर्म आप पढ़ोगे उनको ध्यान से देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी आपके पास वैल्यू, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नंबर्स NUMBERS। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, नंबर्स, ठीक है बच्चों। और हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ई एक्स पी ए एन डी ई डी, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम देखते हैं कि जो नंबर्स हैं उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। तो देखो हमारे पास है नंबर 1 वैल्यू, ठीक है। आपको क्या करना है, नंबर 1 वैल्यू की एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। तो नंबर 1 है 23,120 122, ठीक है। अब देखो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले करना है कि जो भी आपकी वैल्यू होगी, अब देखो आपको एक चीज और देखनी है, ओके। अब आपको सबसे पहले देखना है इस वैल्यू में वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, तो ये हो गई 23,122। अब आपको पता है कि जो आपका
वंस होता है उसमें होता है वन, ना ही तो कुछ ऐड होगा। ओके फिर देखो है टेंस, टी ई एन एस, टेंस में वन ज़ीरो। ओके फिर क्या होता है हंड्रेड, तो एच यू एन डी आर ई डी, आपको तो पता ही है हंड्रेड में ये थ्री डिजिट नंबर होते हैं। फिर है थाउजेंड, तो टी एच ओ यू एस ए एन डी, तो वन टू थ्री, ये हो गया थाउजेंड। फिर है टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ठीक है, तो टेन थाउजेंड को तो आपको पता ही है दो वैल्यू एक साथ होती है, तो टेन थाउजेंड कैसे लिखा जाता है, टेन थाउजेंड ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि ये जो 23,100 है उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, तो आपको पता ही है सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, वंस से, तो आप सबसे पहले क्या लिख दोगे टू, अब आप क्या करोगे प्लस का साइन लगाओगे, अब आपको टू, अब हमने क्या पढ़ा था 23,122, फिर टेंस की वैल्यू आती है, तो आपको पता ही है कि टेंस की वैल्यू कितने नंबर की होती है, दो नंबर की होती है, ठीक है, तो 22, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे टू, अब टू के आगे दो नंबर की हुई तो कितने नंबर्स है, वन नंबर है, तो आप कितने ज़ीरो लगाओगे यहाँ पे, आप लगाओगे वन ज़ीरो, ठीक है। फिर देखो आपको किसकी वैल्यू देखनी है, वंस टेंस हंड्रेड की, तो आपको पता ही है हंड्रेड में क्या आया आपके पास, हंड्रेड में आपके पास आया वन, तो आप क्या लिख दोगे वन, अब देखो कि वन के बाद में कितने नंबर्स है, वन और टू, जितने नंबर्स है उतने आप क्या करोगे, जितने नंबर्स है उतने आप ज़ीरो लगा दोगे, क्योंकि हंड्रेड में तो यही होता है, यही तो होता है आपका हंड्रेड, ठीक है। फिर देखो आपके पास होगा वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, अब क्या होगा आपके पास थाउजेंड की वैल्यू, ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया थ्री, थ्री के बाद देखो कितने नंबर है, वन टू थ्री, तो आप उतने ज़ीरो लगाओगे, वन टू थ्री, अब देखो थाउजेंड में भी ऐसे ही होता है ना, अब वन थाउजेंड है तो कितने ज़ीरो लगे हुए, वन टू थ्री, वैसे ही आप क्या करोगे थ्री ज़ीरो यहाँ पर लगाओगे, लिखना है आपको। फिर देखो वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, फिर आपको लिखना है जी टू, अब देखो टू के बाद देखना है कितनी वैल्यू है, वन टू थ्री फोर, तो वो आपको फोर ज़ीरो लिखना है, वन टू थ्री फोर, अब आपको पता ही है कि थाउजेंड है उसमें कितने ज़ीरो होते हैं, फोर होते हैं, अगर यहाँ पे होता 20,000, ठीक है, तो 20,000 होता तो भी फोर ज़ीरो ही आते, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट एक्सपेंडेड वैल्यू। फिर देखो नंबर सेकंड, नंबर सेकंड है एट फाइव टू फोर ज़ीरो, फिर है एट फाइव टू फोर ज़ीरो, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है, तो वन से शुरू करते हैं, तो ज़ीरो क्या हो गया वंस की वैल्यू, तो आप लिख दोगे ज़ीरो। ओके फिर क्या करना है, प्लस का साइन लगाया, फिर देखो क्या है वंस टेंस, टेंस में क्या है फोर, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे फोर, फोर के बाद में कितने नंबर हैं, वन नंबर है, तो आप कितने ज़ीरो लगाओगे, वन ज़ीरो लगाओगे। ओके फिर देखो वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड में है टू, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे टू, तो टू के बाद में कितने नंबर हैं, वन और टू, तो आप कितने ज़ीरो लगाओगे टू, आप तो इसको इजीली समझ लो ना, यही समझ लो कि वंस में ओनली वन वन नंबर आएगा, ना ही तो कोई ज़ीरो आएगा ना ही कुछ और आएगा। फिर देखो टेंस, आपको पता है टेंस में दो डिजिट होती है, ठीक है, तो अगर एक आप इसमें से देख लो तो अगला तो क्या लगेगा ज़ीरो ही लगेगा ना, ये समझ लो जैसे टेन ट्वेंटी थर्टी, तो ठीक है, फिर हंड्रेड, हंड्रेड में तो टू ही ज़ीरो आते हैं, तो आपको कितने ज़ीरो लगाने हैं टू,
थाउजेंड, थाउजेंड में कितने जीरो लगते हैं? थ्री, तो उतनी डिजिट होगी उसके बाद। फिर देखो टेन थाउजेंड, तो टेन थाउजेंड में कितने जीरो होंगे? फोर, तो आपको क्या लगाना है? उतने ही लगाना है। अब हो गया, फिर देखो आगे, फिर देखो फाइव, तो वंस टेंस हंड्रेड तक हो गया, फिर क्या थाउजेंड, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे फाइव, तो कितनी वैल्यू है? वन टू थ्री, तो आपको जीरो लगाने वन टू थ्री। ओके, फिर देखो क्या है, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और टेन थाउजेंड, यहाँ क्या लिखना है आपको? एट, तो वन टू थ्री फोर, कितने जीरो लगाओगे? वन टू थ्री फोर। ओके, ये फोर जीरो आपने लगा दे। अब देखो नंबर थ्री, नंबर थ्री है में है हमारे पास टू जीरो एट फोर फाइव। अब हमें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, ठीक है? तो देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो ये क्या हो गया? ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी फाइव, ट्वेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी फाइव। तो देखो वंस की वैल्यू, तो आप क्या लिख दोगे वंस में? तो फाइव। ओके, फिर प्लस किया, फिर है फोर, वंस टेंस में क्या आएगा? पहले तो जीरो आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? फोर। फिर देखो, फिर देखना है वंस टेंस हंड्रेड, तो क्या आएगा? एट। एट के बाद कितने नंबर से? टू, तो कितने जीरो लग जाएंगे? टू। वैसे हम इसे क्या पढ़ते हैं? एट हंड्रेड, एट हंड्रेड पढ़ते हैं, तो हंड्रेड में तो टू ही जीरो आते हैं। फिर देखो जीरो, तो वन टू थ्री फोर, तो जीरो तो है ही। अब इसके बाद कितने आएंगे? वन टू थ्री, तो आप वन टू थ्री और जीरो लगा दोगे इसमें, ठीक है? फिर देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो यहाँ पे लिखोगे टू, तो वन टू थ्री फोर, तो वन टू थ्री फोर। ओके, अब देखो नंबर फोर, नंबर फोर है, नंबर फोर है फोर एट फाइव ज़ीरो टू। अब देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, ये हो गया फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू। तो आपको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? वंस की वैल्यू, तो वंस की वैल्यू आपने लिख दी। फिर लिखना है टेंस, तो लिखोगे ज़ीरो। अब ज़ीरो के बाद कितनी वैल्यू है? वन, तो आप इतने ज़ीरो लगा दोगे। फिर देखो वंस टेंस हंड्रेड, तो आपको क्या लिखना है? फाइव, फाइव के बाद तो कितने नंबर है? वन टू, तो आपको पता ही है कि हंड्रेड में तो टू ही ज़ीरो होते हैं, तो लगा दिया आपने, फाइव हंड्रेड हो गया ये। फिर देखो एट, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो आपको क्या लिखना है? एट, तो वन टू थ्री, तो थाउजेंड में तो आप, अगर आप बोलते फोर्टी एट थाउजेंड, तो ये क्या हो गया? ये टेन की, टेन थाउजेंड की वैल्यू हो गई थी, ठीक है? फिर देखो आपको देखना है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड फोर, सॉरी टेन थाउजेंड, ठीक है? तो लिखोगे फोर, वन टू थ्री फोर, और जितनी संख्या होगी उतने आप क्या लिख दोगे? ज़ीरो। ओके, अब देखो नंबर फाइव, नंबर फाइव है, नंबर फाइव है सेवेंटी फाइव थाउजेंड फोर, तो फोर कहाँ चली जाएगी? वंस की वैल्यू में चली जाएगी। फिर जो ये ज़ीरो है, ये किसकी वैल्यू में चला जाएगा? टेंस की में, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? ज़ीरो। फिर देखो वंस टेंस हंड्रेड, तो ज़ीरो, ज़ीरो के बाद कितने नंबर है? वन टू, तो जितने नंबर है उतने ज़ीरो लगा देने हैं, ठीक है? फिर देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, फिर है फाइव, तो कितने ज़ीरो है? वन टू थ्री, तो उतने ही, जितने नंबर हैं उतने क्या करने हैं आपको? ज़ीरो लगा देने हैं।
फिर देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो अब है सेवन, तो वन टू थ्री फोर जितने नंबर हैं उतने आपने क्या किए जीरो लगा दिए। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो समझ में आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।